फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जानते हैं कि यदि आप भी सुबह उठकर खाली पेट एक ग्लास गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर में क्या बदलाव होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप यह समझिए कि जब भी आप सुबह उठकर खाली पेट पानी पीते हैं, आप चाहे गुनगुना पानी पिएं या फिर नॉर्मल पानी पिएं या फिर आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं, आप किसी भी कंडीशन में जब सुबह आप खाली पेट पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अब बस बात यह है कि आप उस पानी को किस तरह पीते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि जब आप गुनगुने पानी को पीते हैं सुबह खाली पेट तो इससे आपके शरीर को क्या सारा फ़ायदा होता है। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जब आप सुबह सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो इससे आपका जो पाचन तंत्र होता है वह मजबूत बनता है। यह आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। यह हमारे अमाशय और आंतों की सफाई करने का काम करता है, क्योंकि भोजन के पाचन के बाद उसमें बचे हुए कुछ अंश आंतों में फंसे रह जाते हैं। यदि ये साफ नहीं होते हैं तो काफ़ी तकलीफदेह होते हैं और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होने लगती है। तो ऐसे में जब आप गुनगुने पानी को पीते हैं तो आपका पेट अच्छी तरह से साफ होता है और आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है। इसके बाद जो इसका दूसरा फ़ायदा होता है वह होता है आपके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में। सुबह खाली पेट पिया हुआ पानी आंत की सफाई करने के साथ साथ हमारे शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर करता है और आपके मुँह को ताज़ा बनाता है और आपके लार यानी कि जो सलाइवा होती है उसके माध्यम से पानी आपके अमाशय तक जाता है, जो आपके पाचन तंत्र के लिए एंजाइम का काम करता है और इससे आपकी भूख भी अच्छी तरह से बढ़ जाती है। इसके बाद जो इसका अगला फ़ायदा होता है वह होता है त्रिदोष को कंट्रोल करने में। त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ, इन तीनों को त्रिदोष कहा गया है, क्योंकि ये समस्याएँ लोगों को होती हैं। और जब आप सुबह खाली पेट गर्म पानी पीते हैं तो इससे आपके बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। यह हमारे शरीर के तीन विकार वात, पित्त और कफ आदि को कंट्रोल करता है और आपके शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाता है। तो आप रोज़ सुबह उठकर गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। इसके बाद इसका जो फ़ायदा होता है वह होता है आपके शरीर को रिहाइड्रेट करके तरोताज़ा बना के रखने में। जब आप सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहता है, आपका पाचन क्रिया जो है वह सही रहती है। जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो वह आसानी से डाइजेस्ट होती है और आप पूरे दिन तरोताज़ा रहते हैं। इसके साथ ही यह आपके शरीर में पानी की आपूर्ति भी करती है, जो कि आपको दिन भर एक्टिव रखने में मदद करती है। इसके अलावा इसका फ़ायदा होता है मेटाबॉलिज्म को सुधारने में और आपके वजन को कंट्रोल करने में। यदि आप यह करना चाह रहे हैं तो भी आप सुबह उठकर गुनगुना पानी पीजिए तो इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ ही सुबह खाली पेट पानी पीने से आपकी एजिंग की जो प्रॉब्लम है वह बहुत ही आसानी से सॉल्व होती है। यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है आपको खूबसूरत बनाकर रखने में, लंबे समय तक आपको जवान रखने में। सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से हमारी स्किन जो है वह काफ़ी सॉफ्ट रहती है और उसमें ग्लो आता है, आपकी स्किन जो है वह बहुत अच्छी हो जाती है। और होता क्या है कि सुबह खाली पेट पानी पीने से बॉडी के सेल्स तत्काल हाइड्रेट हो जाते हैं, यानी कि उनमें पानी की आपूर्ति होती है, जिससे हमारी त्वचा पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती है और आप एजिंग की समस्या से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। जब आप सुबह पानी पीना शुरू करते हैं, यदि आप नए हैं तो बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एकदम से बहुत सारा पानी नहीं पिएं। आप थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत में आप आधा ग्लास पानी पी सकते हैं, इसके बाद आप उस पानी की डोज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप पानी को हमेशा बैठकर पिएं, खड़े होकर आप पानी नहीं पिएं, जल्दबाजी में पानी नहीं पिएं, तेज़ी से पानी नहीं पिएं। तो आप इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं और आप इस तरह से गर्म पानी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।